Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So बहुत समय के बाद आई एम शूटिंग अ मुकबांग टुडे एंड दिस इज गोइंग टू बी मुकबांग प्लस स्टोरी टाइम. आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू ऑल. सो यार पहले बता देती हूँ क्या खाने वाले हैं आज. एज यू ऑल कैन सी दिस इज कड़ी चावल एंड अनफॉर्चुनेटली घर पे नहीं बनी हुई है, मैंने ऑर्डर करी है. बट आई एम गोना शेयर द रेसिपी ऑफ यू नो हाउ माई मॉम प्रिपेयर्स कड़ी चावल वेरी सून बिकॉज इट लुक्स 10 times बेटर देन यू नो वट आई हैव योर इन फ्रंट ऑफ मी. नॉट सीइंग की बुरा है, नहीं नहीं, बट यू नो जो हम वो पंजाबी बनाते हैं ना कड़ी, उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसके पकौड़े ही बड़े अलग होते हैं. बट एनी वे ऑल्सो हैव सैलड हेयर. ये लच्छा प्याज है, मैंने इस पर लेमन, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड मसाला चाट डाला है. एंड देन वी हैव पापड़. ओके सो लेट्स टेक इन. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट टुडेज मुकबांग बिकॉज मैं बहुत टाइम से स्टोरी शेयर करने का सोच रही हूँ एंड फाइनली आई एम गोना शेयर इट टुडे विद यू ऑल. सो आप पहले थोड़ा सा खा लेते हैं. नॉट बैड, बट जो घर पे बना होता है ना, मेरे घर के कड़ी चावल आई लाइक इट 10/10. सो ये घर में बना हुआ मिर्ची का अचार है जो कि अगेन बहुत डिलीशियस है. ये सारी चीजें मॉम बनाती हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है. ओके सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी. सो दिस हैपेंड इन डिसम्बर ऑन 24th, ऑफकोर्स लास्ट ईयर. सो मैं और श्रुति कसौली में थे फॉर क्रिसमस एंड हमने एक बहुत ब्यूटिफुल सी प्रॉपर्टी बुक करी थी जो मेन मार्केट से बहुत पास थी, लाइक 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पर. सॉर्ट ऑफ आई वोंट से एक्सपेंसिव बट सही थी. मतलब आई थिंक वी पेड 7,000 फॉर वन नाइट. तो मतलब हम दो रात थे वहाँ पे. सो मतलब चीप प्रॉपर्टी नहीं थी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, एक्सेलेंट स्टाफ, एक्सेलेंट सर्विस एंड इट वाज एन ओल्ड प्रॉपर्टी. तो आई थिंक इट वाज सम 100 years ओल्ड और समथिंग, या उससे भी ज़्यादा मुझे नहीं पता. श्रुति ने बुक की थी. सब हुआ क्या कि इवन दो हम पीक सीजन में गए थे, वो प्रॉपर्टी फुली बुक्ड नहीं थी. ठीक है, सो उसमें ऐसा था कि 5 rooms एक साथ थे एंड उसके आगे बहुत बड़ा लॉन था एंड देन ऊपर भी रूम्स थे, वो भी बुक थे, पर मुझे नहीं पता कितने बुक थे. जो 5
नहीं पांच भी नहीं, नीचे छह रूम्स थे. ओके सॉरी सॉरी सॉरी, सो नीचे आठ रूम थे एंड आठ में से तीन बुक थे, एक हमारे बिल्कुल बगल वाला एंड एक रूम नंबर वन, हम सिक्स में थे एंड फाइव बुक था. ठीक है, तो अब जिस दिन हमारी लास्ट नाइट थी वहाँ पे, हम अपना डिनर विनर करके आए एंड लाइक ए सेट की वहाँ पे लॉन था एंड वो शेयर्ड लॉन था ऑफकोर्स. तो हम लोग वहाँ पे आके बैठ गए, यू नो, वैसे पहाड़ वहाड़ देख रहे थे. इट वॉज वेरी लाइक इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट. अब हुआ क्या, जो रूम नंबर फाइव में लोग रह रहे थे एंड जो रूम नंबर वन में रह रहे थे, दोनों कपल्स थे. तो इन लोगों का वो हो गई, मतलब दोस्ती हो गई सॉर्ट ऑफ. सो दे वर ऑल ड्रिंकिंग टुगेदर एंड देन यू नो, उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले कर रखे थे, तो ये डांस भी कर रहे थे एंड बहुत सही सा सब सीन चल रहा था. तो हम एंड इनका बॉनफायर चल रहा था एंड हम खाना वाना खा के आए थे, तो हम चेयर्स लेके भी साइड में अपना बैठ गए थे, लेकिन इनसे थोड़ा सा दूर. एंड लाइक दे ऑल आर, आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट टू कॉल, आई डोंट वॉन्ट से कि चारों वेस्टेड थे, बट एक या दो बॉटल डाउन थे. बट एनी वे, अब जो रूम नंबर फाइव का कपल था वो हमारे पास आया एंड द गर्ल वॉज लाइक, मैंने अपने घर पे नहीं बता रखा है दैट यू नो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे हूँ. सो आई हैव टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर हूँ, गर्ल फ्रेंड्स के. सो कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू ऑल लाइक टू सेंड इट टू माई पेरेंट्स. तो पहले तो मैं हंसी एंड आई वॉज लाइक हाउ ओल्ड आर यू, चीज लाइक आई एम 27. तो मैंने कहा क्यों नहीं बता रखा घर पे. बट एनी वे, फिर हमने खिंचवा ली फोटो, लाइक चल वॉट एवर. अब इतने में क्या होता है, ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं एंड जो फर्स्ट रूम में कपल था, रूम नंबर वन में, वो अभी भी वहीं पे है. सो लाइक आई सेड, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. नहीं आई डोंट थिंक सो, आई सेड दैट, बता देती हूँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो एक एंट्रेंस है इसकी जो मेन एंट्रेंस है एंड फिर एक मतलब दोनों साइड से एंट्रेंस है एंड इनका जो रिसेप्शन है, जो रेस्टोरेंट है, जो लाउंज एरिया है, जो बार है, वो ऑपोजिट है, मतलब रोड के ऑपोजिट है. जो हम स्टे कर रहे हैं वहाँ सिर्फ रूम्स हैं, एक ही एंट्री यूज कर रहे थे हम एंड वहीं से एग्जिट करते थे. तो जो कपल, रूम नंबर वन का कपल था, वो दूसरी वाली एग्जिट से निकलने लग गया. तो मैंने श्रुति को बोला, मैंने कहा यहाँ से भी कोई एग्जिट है, चल हम भी देख के आते हैं. एंड वो दोनों जो रूम नंबर वन में थे, वो बहुत लवी डवी हो रहे थे. ठीक है, तो आई वॉज लाइक ये ना जेन्युइन कपल लग रहा है, लाइक आई थिंक दे आर इन लव. तो अब क्या हुआ, मैंने श्रुति को बोला चल हम भी देखते हैं. तो हम लोग गए उनके पीछे पीछे, लाइक उनसे 2 मिनट बाद एंड हमने स्टेयर्स चढ़ी एंड वो अब हमसे 200-300 मीटर दूर होंगे एंड मैं देख रही हूँ कि लड़का ज़मीन पे बैठा हुआ है, लड़की खड़ी हुई है एंड ही इज़ लाइक मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा. शी इज़ लाइक नहीं, तू चलेगा, तू चलेगा, तू चलेगा. और मैं और श्रुति वहीं रुक गए, लाइक व्हाट द फक. और 30 सेकंड के बाद सिचुएशन उल्टी हो जाती है. अब लड़की फ्लोर पे बैठी है, लड़का उसके सर पे खड़ा है एंड आई डोंट नो ये हो क्या रहा है, लाइक तू चलेगा, तू क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं क्या क्या. तो मैं कहती कोई फायदा नहीं जाने का, छोड़, मतलब इनके पीछे तो नहीं जाना. तो जहाँ ये लोग बैठे हुए थे हम वहाँ बैठ गए. ठीक है, बिकॉज अब दोनों कपल चले गए, वहाँ पर बॉनफायर लगा हुआ था, तो हमने सोचा हम भी थोड़ी आग सेक लेते हैं, बिकॉज इट वॉज टू लेट. मैं उस टाइम पर स्टाफ को बोल भी नहीं सकती थी कि नहीं बॉनफायर स्टार्ट करो, और हमको भी एनी वे अंदर जाना था बिकॉज हमें भी नेक्स्ट डे निकलना था. अच्छा, अब जो ये बॉनफायर लगी है, ये रूम नंबर वन के बिल्कुल बाहर है, रूम नंबर वन से बहुत पास है. ठीक है, तो अब क्या हुआ, हम वहाँ बैठे हैं, अपने गाने सुन रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं. 15 मिनट के बाद एकदम से लड़की रूम में आती है, रूम नंबर वन वाली लड़की, एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर की रोती हुई आती है एंड वो एकदम से रूम धड़ाक धड़ाक खोलती है, अंदर जाती है, शी इज़ क्राइंग एंड शी इज़ स्क्रीमिंग. इतनी देर में लड़का उसके पीछे आता है एंड नाउ दे आर शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. और ये चला है, कुछ 10 मिनट चला कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर की रो रही है. देर में हम उठे नहीं, हम बैठे रहे, तो लड़का बाहर आ जाता है एंड वो हमारे पास आता है. ही इज़ लाइक हे गाइस, आई थिंक आई हैव लेफ्ट माय फ़ोन एंड माय बैग हियर, हैव यू सीन, इट्स ब्राउन इन कलर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई एम लाइक नो, बट वेट, आई चेक फॉर यू. सो वी लुक्ड एंड नाइट देयर लाइक ओके नो वरीज, यू गाइस हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर. आई वाज लाइक या कूल बाय, और वो चला गया. जो हमारे रूम्स थे ना, वो बड़े थे, सो इट वॉज लाइक एंटर करते ही रूम एंड देन और अंदर चलोगे तो ड्रेसिंग टेबल एंड देर वॉज अ बिग रूम एंड देन, मतलब ड्रेसिंग टेबल वाला ही रूम एंड देन देर वॉज वॉशरूम. तो जैसे ही इसने शायद हमको देखा या जो भी, ये उसको पीछे लेके चला गया, या वो खुद से गए या इसने बताया कि लोग बाहर बैठे, आई डोंट नो. अब मुझे आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, बट मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है. अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, लाइक अनदर मे बी 6-7 मिनट्स,
मुझे ऐसी आवाजें आ रही हैं जिससे मतलब लाइक समबडी इज स्लैपिंग समवन, मतलब मे बी बॉडी पे, मे बी मुंह पे, एंड नाउ आई एम वरीड शिट. आई एम लाइक लड़का लड़की को मार रहा है, बट वे नॉट 100% श्योर बिकॉज वे लाइक वॉट इफ इट्स जस्ट सेक्शुअल नॉइजेस. देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी बिकॉज यू नो लाइक थोड़ा कन्फ्यूजन था. दैट्स ऑल आई एम गोना से, लाइक जेन्युइनली कन्फ्यूजन था बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक द चीज यू नो क्राइंग. नो द नॉइजेज वर वियर्ड. लाइक मैं 100% श्योर नहीं हूँ एज टू वो पिट रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, या दे आर डूइंग द डीड. वी आर दैट कन्फ्यूज. आई डोंट नो वॉट टू डू नाउ. श्रुति बीइंग द सेंसिबल वन सेज कि नहीं, हम एकदम से ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकते बिकॉज अगर वो जेन्युइनली उसे मार रहा है तो क्या पता वो उसका हाथ तेरे पे भी उठ जाए. एंड लाइक आई सेड, रिसेप्शन और स्टाफ दूसरी तरफ है और हम दूसरी तरफ हैं, सो एकदम से कोई बचाने भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ तक आवाज़ ही नहीं जाएगी. तो आई एम लाइक या मेक सेंस. तो शी इज लाइक ओके रूम में चलते हैं, लेट्स थिंक एंड तब कुछ करेंगे. हम रूम में चले गए एंड लाइक वे थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग. मुझे एकदम से क्लिक होता है कि अगर वो हमारी प्रेजेंस देख कर उसको पीछे लेके गया है चेंजिंग रूम में, दैट मीन्स ही इज कॉन्शियस, ही इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स. तो लेट्स लेट्स स्टार्ट, यू नो लेट्स स्टार्ट मेकिंग नॉइजेज, लाइक लेट्स स्टार्ट टॉकिंग. उसके रूम के बाहर जाके बातें करने लग जाते हैं सो दैट ही नोज दैट वी आर देयर एंड वी आर लिसनिंग. एंड श्रुति वाज लाइक या गुड आइडिया. आई वाज लाइक यस आई नो. तो अब क्या हुआ, हम उनके रूम के बाहर गए. नाउ दैट इज रूम नंबर वन. सो रूम नंबर वन की जो विंडो है, जो चेंजिंग रूम वाली विंडो है, वो मुझे एक्सेसिबल है क्योंकि वो तो पहला रूम है, उसके बगल में तो कोई प्रॉब कुछ है ही नहीं. और मैंने क्या किया, मैं गई वहाँ पे रूम नंबर वन के बाहर और मैं सीधा धीरे धीरे करके विंडो पे पहुँच गई. मैंने सोचा सुनती हूँ पहले, एंड अच्छा मैंने जाके सुन लिया बिकॉज द मिनट मैंने अपना कान लगाया मैंने सुना उसको बोलिए बेबी बेबी ओ माय गॉड यू आर ब्लीडिंग, प्लीज वाइप दैट ब्लड ऑफ योर फेस, प्लीज प्लीज क्लीन इट. आई एम लाइक ओ माय गॉड. एंड ऑल्सो शी इज कॉलिंग हिम बेबी एंड ऑल राइट. तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई लाइक अगर ये इतना पिट रही होती तो ये अभी भी उसको बेबी नहीं बोल रही होती, उसे बेग नहीं कर रही होती. सो हम रूम में वापस गए एंड डोंट टेक इट द रॉन्ग वे बट मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था टू इन्वॉल्व यू नो द पर्सन एट द रिसेप्शन या फिर किसी को भी बिकॉज मुझे सिचुएशन नहीं समझ आ रही थी. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू क्रिएट मोर ट्रबल. यू नो कभी कभी झगड़े सबके होते हैं ठीक है, एज लॉन्ग एज यू जस्ट शाउटिंग एट ईच अदर आई एम कूल विद इट. झगड़ा करो. मुझे मार पिटाई से दिक्कत हो रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें कैसे इंटरवीन करूँ, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे उनके लिए बात बढ़ जाए बिकॉज मुझे नहीं पता था वो लड़की की एज क्या है, वो लीगल है नहीं है, उसके पेरेंट्स को पता है कि नहीं, क्या पता रिसेप्शन वाला सीधा पेरेंट्स को कॉल कर दे. मतलब मुझे 5-10 मिनट चाहिए थे टू यू नो कलेक्ट माई थाट्स बिकॉज मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी समझ आता है कि मेरे लिए बातें कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, मेरी तो रेपुटेशन पे आ जाएगा, बहुत कुछ है ठीक है. एंड ऑफकोर्स मैं आई एम अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैं ये भी नहीं चाहती थी कि कोई भी पिट रहा हो फॉर दैट मैटर, मतलब ना लड़की उसको मार रही हो ना वो उसको मार रहा हो. एक पॉइंट पे मुझे ये भी लगा कि जो मुझे पट 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 आवाज़ आ रही थी, मे बी दैट वॉज जस्ट अ गाय हिटिंग हिमसेल्फ. यू नो आई हैव नॉट हैड दिस सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस विद एनी वन टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस, बट आई नो देयर सम पीपल जो जब बहुत गुस्से में आते हैं दे स्टार्ट हिटिंग देम सेल्फ, वो खुद को हार्म करने लग जाते हैं. सो दैट वॉज ऑल्सो पॉसिबिलिटी और उसमें मैं नहीं पढ़ सकती. अगर पिक्चर क्लियर होती, सामने पिट रही होती तो बात अलग थी, अब वो सामने पिट रहा होता, मैं सब अज्यूम कर रही हूँ. अब हम रूम में बाहर गए तो हार्डली आई डोंट रिमेम्बर द टाइम एग्जैक्टली बट लेट्स से 10 मिनट्स के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की आवाज़ आने लग गई ठीक है. लाइक मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता 8-10 लोग हैं, तो मुझे लगा कि इसका मतलब कोई ना कोई आ गया है. मुझे फिर वियर्ड लग रहा है आज तो मैं बाहर कैसे जाऊँ या क्या करूँ, तो मैंने वेट करा. उतने में मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया एंड आई वाज लाइक अब मैं इसका कॉल अटेंड करने बाहर जाऊँगी क्योंकि जनरली वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था. सो मैं कॉल अटेंड करने बाहर जो आती हूँ एंड मैं अपने लेफ्ट राइट में देखती हूँ इसे टर्न करके, एंड आई रियलाइज कि वहाँ पुलिस खड़ी हुई है और एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 7-8 ऑफिसर्स खड़े हुए, मतलब पुलिस वाले खड़े हुए, ऑफिसर्स तो नहीं होंगे, इतनी रैंकिंग वाले तो नहीं होंगे. अराउंड द फक
ठीक है, 7 लोग। एंड मेरे फ्रेंड से बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा पुलिस है यहाँ पे, पुलिस है यहाँ पे, पुलिस है। अरे क्या हुआ क्या? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो भी मुझे देख रहे हैं। मैं उनसे डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट में मेंटेन कर रही हूँ, बट मुझे फील हो रहा है दैट वो सब मुझे देख रहे हैं। मैं रूम में वापस चले जाते हूँ ना, टेल श्रुति, श्रुति इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, वो इसलिए हाँ 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 एंड अब मैं दोबारा चालू बंदी करते हुए बाहर जाती हूँ। मैं थोड़ा सा हल्का सा इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी क्या हुआ है। सो आई विल शेयर दैट क्लिप। उसमें से किसी का चेहरा नहीं आया, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने बस हल्का सा रिकॉर्ड करा। तो अब मैंने बताया था ना, ये पुरानी प्रॉपर्टी है, तो इसकी मतलब पुराने तरीके की बनी हुई है। इसमें वो नीचे विंडोज़ हैं, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं जिसपे ग्लास लगे हैं जो खुल सकते हैं, कर्टन हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और वहाँ पर बैठने का भी है मेरे रूम के अंदर। मैं वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत सुन रही हूँ कि आज तो हुआ क्या है। अब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज एक पॉइंट पे लड़की जोर जोर की रोती है। शी लाइक, तूने मेरे पे हाथ उठाया, तू मुझे बाकियों के अगेंस्ट बोलता था, लास्ट वीक बोला था मेरे बाकी बॉयफ्रेंड बुरे हैं, देख तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मुझे कितना मारा, मुझे आज तक किसी ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, तूने मुझे इतना मारा, मैं तो सिचुएशन से निकल जाऊंगी बट तू बर्बाद हो जाएगा, एंड ऐसे वैसे करके। एंड अब थोड़ी देर के बाद मुझे लड़के की आवाज़ आती है कि सर लड़की का मतलब ये थोड़ी है कि मारने लग जाएगी या मुझे मार सकती है या मैं किसी से पिटूंगा, ऐसे वैसे करके। तो मुझे समझ आ रहा है कि दोनों ने दूसरे को मारा है। अब और 10 मिनट के बाद आवाज़ें आ रही है कि दोनों हंस रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, और 10 मिनट के बाद आवाज़ आ रही है कि लड़की हंस रही है, जोर जोर की हंस रही है प्रॉपर। क्योंकि उससे पहले एक जगह ऐसे भी आता कि वो हंसते हंसते रोने लग गई थी, वो जैसे वैसे वाला नहीं होता कि हाँ बहुत सही किया तूने मेरे साथ, स्टार्ट क्राइंग, वो एक अलग था। यहाँ पे ना शी इज़ लाफिंग प्रॉपरली। एंड देन थोड़ी देर के बाद लड़की की फिर आवाज़ आती है, शी लाइक तुम अपना फ़ोन तो ढूंढ लो, तुम्हारा फ़ोन और बैग नहीं मिल रहा है करके। एंड इज लाइक बाहर में जो है, अब तो जो गया वो गया। अभी भी वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, फिर गालियाँ भी दे रहे हैं, फिर आप कर भी रहे हैं, लाइक तुम कर क्या रहे हो। एंड देन एंड में ऑफकोर्स पुलिस ने दोनों से लेटर लिखवाए कि होटल का बिल हाफ ऑफ होगा, एंड ये दोनों कभी टच में नहीं रहेंगे, एंड कभी यहाँ नहीं आएंगे, एंड कभी ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जितना भी मैं थोड़ी बहुत डिक्टेशन सुन पा रही थी जो पुलिस बोल रही थी। ये चला है ठीक है, सुबह के 5-6 बजे तक चला है क्योंकि 5 बजे तक तो मैं उठी थी, तब तक भी पुलिस नहीं गई थी। और भी इसमें बीच में छोटी छोटी चीज़ें मैंने सुनी होंगी जो मुझे बहुत कन्फ्यूज़ करती थी। तभी आई वाज सो कन्फ्यूज कि मैं इंटरव्यू करूँ या नहीं, बिकॉज अभी पुलिस के सामने भी शी वॉज लाफिंग, शी वॉज क्राइंग, ही वॉज लाफिंग, ही वॉज शाउटिंग, एंड शाउट तो उसने नहीं करा, मतलब यू नो वो भी थोड़ा ऐसा हो रखा था। एंड देन स्वीटली भी बात कर रहे हैं, कंसर्न भी दिखा रहे हैं, और पिटे भी हैं, मतलब बहुत लाइक अगर कोई तुम पे हाथ उठा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फिर तुम क्यों कर रहे हो उससे बातें, मतलब और हंस क्यों रहे हो बीच में, लाइक प्रॉपर हंसना, जैसे पुलिस ने कोई जोक क्रैक करा और उस पर वो दोनों हंस रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी वियर्ड। तो अब 5 बजे मुझे अल्टीमेटली सोना ही था, बिकॉज नेक्स्ट डे हमें भी चेकआउट करना था। अब सुबह हमने वो ब्रेकफास्ट के लिए यू नो वी कॉल्ड आर द रिसेप्शन, एंड जब वो ब्रेकफास्ट देने आए तो अब इसलिए क्या हुआ कल रात को, बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू नो। सो उन्होंने बहुत कुछ, तो उनको भी पता नहीं पता था, नहीं पता था, बट जो उन्होंने मुझे बताया मैं वो बताती हूँ। ही वाज लाइक कि इन दोनों ने पी के ऑफकोर्स झगड़ा करा, दोनों ने एक दूसरे को मारा, लड़की की पूरी आँख फटी पड़ी थी, मतलब यहाँ से जो भी। एंड लड़की सुबह 9 बजे चली गई थी, एंड डॉक्टर का पूछ रही थी बिकॉज काफ़ी स्वेलिंग एंड ऑल था। एंड लड़के को पुलिस ने रात को ही भेज दिया, मतलब उसका चेकअप रात को ही करा दिया, लड़की को सोने दिया बिकॉज ऑफकोर्स। सो या दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड मैंने घर आके अपने पेरेंट्स को भी सेम बात बताई, आई टोल्ड देम व्हाट हैपेंड, एंड दे वर लाइक ऐसे ही करते हैं कपल्स। मैंने जब ये चीज विटनेस करी ना, यू नो मुझे सबसे मतलब मुझे क्या हिट हुआ, दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू यू नो एंड अप विद द राइट पर्सन। एंड मैं यहाँ पे जनरल न्यूट्रल होके बोल रही हूँ, लाइक लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। Like it is so important to be with a kind person, somebody who does not bring out the worst in you, and also somebody who
रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड. जब तुमसे लड़ रहा हो या लड़ रही हो तो अपनी लाइन ना क्रॉस करें. एंड हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे गुस्सा होंगे, एंग्री होंगे, सब होंगे, बट वी ऑल शुड नो वेन टू स्टॉप एंड वेयर टू स्टॉप, कि इससे ज़्यादा नहीं बोलना है. लाइक इट्स बेटर टू यू नो इफ यू आर गेटिंग दैट एंग्री एंड दैट अनॉयड, लीव द रूम, जाओ शांत हो के आओ, कूल ऑफ हो के आओ. बट या अपनी लैंग्वेज नहीं खराब करो, कुछ इतना हर्टफुल मत बोल दो कि यू कैन नेवर टेक दैट बैक, या फिर हाथ तो कभी मत उठाओ. नो मैटर हाउ बैड इट गेट्स, किसी का राइट नहीं किसी पर हाथ उठाने का. इवन इफ योर पार्टनर चीट्स ऑन यू, इवन देन यू डोंट हैव दिस राइट. मुझे सच में नहीं पता सिचुएशन में गलती किसकी थी, किसने स्टार्ट किया, क्या हुआ. एंड मेरी जब उस लड़के से बात हुई तो वो सही साउंड कर रहा था, लाइक ही वाजंट साउंडिंग ड्रंक, बिल्कुल अपने सेंसेस में लग रहा था. बहुत तमीज से उसने हमसे बात करी. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, लाइक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, आई कांट से कि लड़के की कोई गलती नहीं रही होगी. बिकॉज अगेन, बंद कमरे में उसने क्या करा, रोड पे क्या करा, मुझे नहीं पता. इस सिचुएशन में बड़ा फनी बात क्या थी कि जब मैंने उस कपल को फर्स्ट टाइम देखा था, जो कि हार्डली 5 से 15 मिनट पहले की बात होगी, आई वाज लाइक दे सीम लाइक अ परफेक्ट कपल. ये दोनों लग रहे हैं प्यार में, सच्चे प्यार में. एंड लिटरली 15 मिनट में सिचुएशन चेंज हो गई. मैं श्रुति को बोल रही हूँ, श्रुति ये जो हमारे रूम के बगल वाला कपल है ना, कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कि सिचुएशनशिप में है या देर जस्ट देयर फॉर सेक्स. एंड थोड़ी देर के बाद जब मैं इसे विटनेस कर रही थी, मेरे दिमाग में ये भी आया, लाइक यही बेटर है, यही दोनों बेटर है. कैजुअल होगा इनका तब भी बेटर है, कम से कम मारपीट नहीं कर रहे. एंड छुतिया मैंने, क्योंकि रात को इतना डिस्टर्ब किया लोगों ने हमें, हमने 3 बजे चेकआउट करा, या शायद 2:30.
some more chawal. Good food. So ये कड़ी अभी खाने की तो मेरे पेट में जगह नहीं है बिकॉज मेरा राइस खाने का मन नहीं कर रहा. ओके गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये स्टोरी टाइम पसंद आया हो. आई कैन शेयर सो मेनी स्टोरीज विद यू ऑल. सो लेट मी नो और स्टोरी सुनना चाहोगे. आई हैव नॉट हैड अ क्रेजी लाइफ तो बहुत ऐसी कोई क्रेजी स्टोरीज नहीं है मेरे पास बट स्टिल जो भी है थोड़ा बहुत आई वुड लव टू शेयर एज लॉन्ग एज तुम सब सुनने को तैयार हो. एंड या ऑल्सो हेल्प योर गर्ल आउट. लेट मी नो नेक्स्ट मुकबांग में क्या देखना चाहोगे. वॉट शुड आई ईट वो ज़रूर बताना. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड. इफ यू डिड लाइक शेयर कॉमेंट कर देना. एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय. टेक केयर. लव यू.